वंदे मातरम बाल दोस्तों अगली वीडियो में आपने अभ्यास और स्वाध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर की समझ ली उनकी जानकारी ली अब हम इस वीडियो में स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर को आगे समझते हुए तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए तो बाल दोस्तों यहाँ पे हमें ये जो जंगल का दृश्य दिया गया है उसका हमें वर्णन करना है तो बाल दोस्तों मैं यहाँ पे जो बोलूंगी इसका वर्णन करते हुए जो बोलूंगी वाक्य वो आपको ध्यान से सुनने हैं और याद रखने हैं तो पहले तो हम बारीकी से एक एक करके सभी चित्रों का वर्णन समझते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं फिर हरी भरी घास दिखाई दे रही है यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नदी का पानी बह रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है ये हरे भरे पेड़ नदी का पानी फिर नदी में आप देख सकते हैं कि बतख तैर रही है यहाँ पे दो प्राणी है वो पानी पीने के लिए आ रहे आए हैं फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे के पास यहाँ पे शेर की गुफा है तो आप देख सकते हैं कि उसमें यहाँ पे शेर बैठा हुआ है आराम से फिर उसके पास एक जिराफ अपनी लंबी गर्दन ताने हुए खड़ा है इस तरफ हम देख सकते हैं कि एक बंदर जो है वो पेड़ की छांव में बैठा है फिर यहाँ पे एक खरगोश बैठा है खरगोश के पास एक हाथी खड़ा है हाथी के पास एक बड़ा सा पत्थर है फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बंदर बैठा है वहां पे भी कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और आकाश में कुछ पक्षी है वो उड़ रहे हैं तो ये सब इस चित्र में दिखाया गया है जंगल का जो दृश्य है उसमें ये सब दिखाया गया है तो अब हम इसके कुछ वाक्य भी लिखेंगे तो मैं बोलती हूँ और आप सब लिखना तो पहला आएगा कि यह एक जंगल का दृश्य है इस दृश्य में हरे भरे पेड़ और हरे भरी घास दिखाई गई है इस दृश्य में एक नदी भी दिखाई गई है जिसमें कुछ प्राणी पानी पी रहे हैं और उसमें उस पानी में एक बत्तख तैर रही है उसके बाद इस दृश्य में एक शेर की गुफा है और उसमें शेर आराम से बैठा है इस दृश्य में एक तरफ जिराफ खड़ा है फिर पेड़ की छाव में बंदर बैठा है इस तरफ इस दृश्य में हाथी खड़ा है उसके पास एक खरगोश बैठा हुआ है और कुछ पत्थर भी इस दृश्य में दिखाई गए हैं। इस दृश्य में आसमान में कुछ पक्षी भी उड़ रहे हैं तो ये सब इस दृश्य में दिखाया गया है तो बाल दोस्तों ये जो इस जंगल के दृश्य का वर्णन है ये आपको अपनी बुक में लिखना है अब आगे का प्रश्न देखते हैं अब चौथा प्रश्न चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो बाल दोस्तों यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं तो उस चित्र को लेकर हमें यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वो हमें पूर्ण करने हैं तो आइए अब हम इस प्रश्न को समझते हैं पहला है खाली जगह जोर से गरजा तो गरजता कौन है तो गरजता है शेर तो बाल दोस्तों यहाँ पे आएगा शेर हमें लिखना है शेर तो वाक्य पूर्ण इस तरह होगा शेर जोर से गरजा शेर जोर से गरजा उसके बाद दूसरा प्रश्न है चिड़ियाघर में एक सिंग वाला खाली जगह था तो बाल दोस्तों एक सिंग किसका होता है तो चिड़ियाघर में एक सिंग गेंडे का था तो यहाँ पे आएगा चिड़ियाघर में एक सिंग वाला गेंडा था चिड़ियाघर में एक सिंग वाला गेंडा था उसके बाद तीसरा प्रश्न तालाब में खाली जगह तैर रही थी तो माल दोस्तों तालाब में कौन तैर रहा था तो तालाब में बतख तैर रही थी तो इसका उत्तर आएगा तालाब में बत्तख तैर रही थी तालाब में बत्तख तैर रही थी उसके बाद चौथा प्रश्न हरियल खाली जगह टें टें करता था तो बाल दोस्तों घर में क्या हरियल था तो चिड़िया घर में हरियल था तोता तो इसका उत्तर आएगा हरियल तोता टहटे करता था हरियल तोता टहटे करता था तो बाल दोस्तों इस तरह हमने इस रिक्त स्थान वाले प्रश्न की समझ ली अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं हाँ तो बाल दोस्तों अब पांचवा प्रश्न है चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए तो बाल दोस्तों यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उसको हमें पहचानने हैं और यहाँ पे ये जो आयत में शब्द दिए गए हैं उसके नाम दिए गए हैं वो हमें ढूंढने हैं और लिखने हैं तो बाल दोस्तों मैं आपको चित्र पहचान कर उसके नाम ढूंढकर बोलूँगी और आप अपनी बुक में लिखना तो पहला चित्र कौन सा है तो पहला चित्र है शेर का तो शेर का नाम कहाँ पे है तो शेर का नाम है यहाँ पर तो यहाँ पे हमें लिखना है शेर उसके बाद दूसरा है दूसरा चित्र किसका है दूसरा चित्र है मूंगफली का तो मूंगफली का नाम कहाँ पे लिखा है यहाँ पर तो बाल दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना है मूंगफली का नाम तो है मूंगफली उसके बाद तीसरा चित्र देखते हैं तीसरा चित्र है केले का तो केले का नाम कहाँ पे है यहाँ पर तो बाल दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना है केला उसके बाद चौथा चित्र देखते हैं चौथा चित्र क्या है गेंडे का तो गेंडे का नाम कहाँ पे लिखा है यहाँ पर तो बाल दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे गेंडा उसके बाद पांचवा चित्र देखते हैं पांचवा चित्र है भालू का तो भालू का नाम कहाँ पे लिखा है यहाँ पर तो बाल दोस्तों भालू का नाम हम लिखेंगे यहाँ पर उसके बाद है छठा चित्र वो किसका चित्र है मछली का तो मछली का नाम कहाँ पे है यहाँ पर तो बाल दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे मछली अब उसके बाद इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे किसका चित्र है ये मगरमच्छ का तो मगरमच्छ का ना, मगर नाम मगरमच्छ का नाम कहाँ पे है यहाँ पर मगर तो इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर फिर उसके बाद किसका चित्र है गोरैया का तो गोरैया का नाम कहाँ पे है यहाँ पर तो बाल दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे गौरैया उसके बाद का चित्र है तोते का तो तोते का नाम कहाँ पे है यहाँ पर तो बाल दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे तोता उसके बाद किसका चित्र है अरे ये तो मोर का चित्र है तो मोर का नाम कहाँ पे है यहाँ पर तो बाल दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे मोर उसके बाद उसके बाद किसका चित्र है अरे ये तो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग तो इसका नाम कहाँ पे है यहाँ पर तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे शुतुरमुर्ग उसके बाद किसका चित्र है हाथी तो हाथी का नाम कहाँ पे है यहाँ पर तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाथी तो बाल दोस्तों इस तरह मैंने आपको सभी चित्रों को पहचान कर उसके नाम ढूंढकर कर बताए हैं तो ये आपको अपनी बुक में लिखने हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बाल दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है ये हमारी योग्यता विस्तार के लिए है यानी कि यहाँ पे जो प्राणी का चित्र है उसका हमें हिंदी में भी नाम दिया है और गुजराती में भी नाम दिया है ताकि हमें सभी प्राणियों के और पक्षियों के नाम हिंदी में भी समझ में आए और गुजराती में भी समझ आए तो आइए अब हम समझते हैं पहला चित्र है शेर का तो शेर को गुजराती में सिंह बोला जाता है उसके बाद है मछली तो मछली को गुजराती में कहते हैं माछली उसके बाद है काका तुआ तो काका तुआ को गुजराती में बोलते हैं काका कौवा उसके बाद है बंदर तो बंदर को गुजराती में कहते हैं वांदरो उसके बाद है बत्तख तो बत्तख को गुजराती में बोलते हैं बत्तख उसके बाद है मोर तो मोर को गुजराती में बोलते हैं मोर उसके बाद है गेंडा तो गेंडा को गुजराती में बोलते हैं गेंडो उसके बाद है कछुआ तो कछुआ को गुजराती में बोलते हैं काचबो उसके बाद है शुतुरमुर्ग तो शुतुरमुर्ग को गुजराती में कहते हैं शाहमुर्ग उसके बाद है जिराफ तो जिराफ को गुजराती में जिराफ ही बोला जाता है उसके बाद है मगर तो मगर को भी गुजराती में मगर ही बोला जाता है उसके बाद है हाथी तो हाथी को गुजराती में बोलते हैं हाथी उसके बाद है भालू तो भालू को गुजराती में बोलते हैं रिच उसके बाद है तोता तो तोता को गुजराती में बोलते हैं पोपट उसके बाद है ऊँट तो ऊँट को गुजराती में ऊँट ही बोला जाता है तो बाल दोस्तों मैंने आपको ये जो सारे स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर करवाए और ये जो प्राणियों के हिंदी में और गुजराती में नाम सीखा है तो ये सब आपको अपने होमवर्क में लिखने हैं वंदे मातरम